الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين बुजुर्गान मोहतरम मिल्लत इस्लामी के नौजवानों और दीगर हाजरीन जुमा अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की हमदो सना हर तरह की बड़ाई और बुजुर्गी और मेरी और आपकी हर एक इबादत रियाजत और बंदगी का अकेला मुस्तहिक रब है, अकेला माबूद बरहक है जिसने हम और आपको इस दुनिया के अंदर अपनी बंदगी के लिए भेजा और जिसने हमारी और आपकी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी का मकसद उसकी अपनी बंदगी को करार दिया और हम और आपको बंदगी का सलीका और बंदगी के अहकाम बंदगी के रास्ते सिखलाए बताए हैं। दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाते गिरामी पर जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ये दीन हम और आप तक पहुँचाने के लिए उसको सिखलाने बतलाने के लिए और उस पर अमल पैदा होकर अमली नमूना पेश फरमाने के लिए दुनिया में भेजा, जिन्होंने दीन के हर मसले को हम और आपके सामने वाज़ह किया, हम और आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला से तकर्रुब और नज़दीकी बढ़ाने के बहुत सारे रास्ते रखे और जो बातें अल्लाह से दूर कर सकती थी दीन से दूर कर सकती थी या हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का मुस्तहिक बना सकती थी उन बातों पर आगाह फरमाया मुतनब्बह फरमाया है। हाज़िरीन गिरामी कद खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की आयत का एक टुकड़ा पढ़कर सुनाया जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलिल्लाहि अला नास हज्जुल बैत, लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की खातिर अल्लाह के लिए उसके घर का हज फर्ज करार दिया है। मन इस्तता इलैहि सबीला, हर उस आदमी के लिए जो आदमी वहां तक पहुंचने की इस्तेआत रखता हो, वहां तक पहुंचाने वाले रास्ते की इस्तेआत रखता हो। आप और मैं ये बात जानते हैं कि जिन अयाम से हम और आप गुजर रहे हैं ये हज के अयाम हैं। शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा के जो इब्तदाई अयाम हैं या आधा महीना के लिए ये हज के अयाम हैं, इनको अशहुरे हज कहा जाता है। ये हज के महीने हैं, हज के हफ्ते हैं, हज के अयाम हैं। इन दिनों में आमतौर पर सारी दुनिया से हाजी अल्लाह तबारक व तआला के घर का हज करने के लिए रुख करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के घर में हाजिरी देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में लगे रहते हैं और इस्लामी शरीयत का ये जो हुक्म है हज बैतुल्लाह उसे अंजाम देने की कोशिश में इंतजार में रुके रहते हैं। हज इस्लामी शरीयत की नज़र में इस्लाम के पांच बुनियादी अरकान में से एक रुक्न है। इस्तेआत रखने वाले इंसान पर यह फर्ज है और जिंदगी में कम अज कम एक मरतबा हर मुसलमान को इस्तेआत रखते हुए एक मरतबा कम अज कम इस फर्ज को अदा, इस हज को करना या इस फरीजे को अदा करना इस्लामी शरीयत ने लाजिमी करार दिया है। इस्लामी शरीयत की इस अजीम फरीजे से जुड़े इन अय्याम से आज जब हम और आप गुजर रहे हैं तो हम और आपको इस बात का पता है कि हर साल की तरह पिछले दो सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि पूरी दुनिया से मुसलमानों का निकल कर हज बैतुल्लाह के लिए पहुंचना मुश्किल हो गया या नामुमकिन हो गया। इंसान भी
आप जानते हैं वो हज जिसमें तकरीबन 25-25 लाख लोग शरीक हुआ करते थे, अब ये सूरत हाल है कि तकरीबन 60,000 सिर्फ लोग इस साल हज करने जा रहे हैं। ऐसी सूरत में बहुत सारे मुसलमान जिनको अल्लाह ताला ने इस्तेआत दी है, उनके पास पैसा है, उनका इरादा था, अज़्म था, अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि अल्लाह तबारक व तआला रास्ते खोल दे तो हम और आप पहुंचकर फरीजा अदा कर लेंगे। लेकिन अब की बात उनको मायूसी हाथ लगी। अगले साल का अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि तब तक हालात सुधर भी जाए तो लोगों के हालात इस्तेआत बाकी रहेगी कि नहीं, या इस्तेआत बाकी रहे लेकिन आदमी बाकी रहे कि ना रहे, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन ये जो अपनी जगह पे एक महरूमी है, इसका एहसास एक मुसलमान की हैसियत से हर उस इंसान को हो रहा है जिसके पास पैसा था, इस्तेआत थी और इरादा भी था, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। हाजिरे गिरामी कद, ऐसी सूरत में कुछ बातें मैं आज आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं जो इन हालात में इस्लामी शरीयत की मेरे और आपके लिए रहनुमाई है और मेरे और आपके हक में अल्लाह तबारक व तआला की ये रहमत भी है। हम और आपको ये बात सबसे पहले याद रखनी चाहिए, इस्लामी शरीयत की दो बातें बड़ी अहम हमारे सामने रखी हैं तारीख की रोशनी में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की रोशनी में। हज बैतुल्लाह का बिल्कुलिया तर्क कर देना, यानी अल्लाह तबारक व तआला के घर का कोई हज करने वाला ही ना रहे, कोई अल्लाह तबारक व तआला के घर जाए ही नहीं, हज ही ना किया जाए। हज बैतुल्लाह अगर बंद हो जाता है, पूरी तरह से रुक जाता है, तो ये कुर्बे कियामत की निशानियों में से एक निशानी है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। लेकिन किसी वजह से अगर हज ना हो सके, किसी वजह से लोग हज पे जा ना सके, किसी रुकावट की वजह से हज ना हो सके, तो इस्लामी शरीयत हम और आपको ये बतलाती है कि इसमें लोगों को गुनहगार तसव्वुर करने की जरूरत नहीं। हाँ, इसका सबब जो गुनाह बने, ऐसी रुकावट पैदा होने के जो गुनाह सबब बने इंसानों के गुनाहों की वजह से, उन गुनाहों पर आदमी को तौबा करना चाहिए। लेकिन किसी सबब से अगर हज रुक जाए, छूट जाए, तो फिर इसमें लोगों को मलामत करने की जरूरत नहीं है। तारीख इस्लाम में ये हमारी और आपकी 1400 साल या 1450 साल की जो तारीख है, इसमें तकरीबन 40 मरतबा से ज्यादा ऐसा हो चुका है जब हज बैतुल्लाह ना हो सका है। तारीख इस्लाम में ऐसा इससे पहले भी हुआ है। इसलिए हम और आपको जो फिक्र करनी चाहिए वो अपनी बदामालियों की फिक्र, वो हमने क्या गुनाह किए कि 2-2 साल मुसलसल हम हज बैतुल्लाह को नहीं जा पा रहे, या मुसलमानों की एक बड़ी तादाद नहीं जा पा रही है। लेकिन वहीं ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह का फजल करम है, हज पूरी तरह बंद नहीं हुआ। गुज़श्ता साल भी कुछ लोगों को मौका मिला, उन्होंने हज किया। इन साल भी जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, वो किसी भी मुल्क के बाशिंदे हो, वहां रहते हुए वो हज बैतुल्लाह में शिरकत के लिए कोशिश कर सकते हैं। और इन साल भी 60,000 लोग तकरीबन हज करने जा रहे हैं। ये पहली बात हम और आपको याद रखनी चाहिए जो इस मुनासबत से इस्लामी शरीयत और इस्लामी तारीख की रोशनी में मुझको और आपको मिलती है। दूसरी बात जो आज के इस खिताब में आपके सामने मैं जिक्र करना चाहता हूं, वो बड़ी अहम है, हम और आपके लिए बहुत जरूरी है। इस्लामी शरीयत का ये बड़ा कमाल है कि ऐसे हालात में जब आदमी हज बैतुल्लाह नहीं कर पा रहा है, इतना बड़ा अजीम, इतना अजीम अमल, इतनी बड़ी नेकी जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन हज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसु रजअ कयौम वलदत उम्मु, जो आदमी हज बैतुल्लाह के लिए जाए, वहां कोई बेदीनी का काम ना करे, बेहयाई वाली कोई बात ना करे, वो हज से लौटता है तो अपने गुनाहों से पाक वैसे ही लौटता है जैसे माँ के पेट से इस दुनिया के अंदर आया हुआ था। इतनी अजीम इबादत, इतने बड़े अजर से महरूमी का ये जो एहसास है, इस्लामी शरीयत आपको मुझको सिखलाती बतलाती है कि देखो, अगर हज बैतुल्लाह नहीं हो पा रहा, या तो इसलिए कि हमारे पास इस्तेआत हो लेकिन लेकिन असबाब नहीं, रुकावटें रास्ते बंद हैं, या फिर उनके लिए भी जिनके पास इस्तेआत नहीं, गरीब हैं, जिम्मेदारियों का बोझ है, इस्तेआत नहीं, रास्ते खुले भी हो तो उनके लिए मुमकिन नहीं है। आप जानते हैं आज के दौर में असबाब मैसर है, पुराने जमाने में लोग जिंदगी भर पैसा इकट्ठा करके आखिरी उम्र में हज किया करते थे, इस वजह से ज्यादा मुश्किल तसव्वुर किया जाता था, असबाब का मुहैया होना इतना मुश्किल होता था पुराने दौर में। इस्लामी शरीयत की यह खूबी है कि जो लोग किसी रुकावट की वजह से हज नहीं कर पा रहे,
या इस्तेताअत ना होने की वजह से हज नहीं कर पा रहे, ऐसे लोगों को इस्लामी शरीयत ने कई ऐसे अमल बताए हैं कि अगर वो अमल आदमी कर ले तो अल्लाह ताला हज के बराबर सवाब आपको दे दे। आपने हज नहीं किया या आपने फर्ज हज किया है या आप इंतजार में हैं, हर मुसलमान के लिए, किसी खास इंसान के लिए नहीं, हर मुसलमान के लिए इस्लामी शरीयत ने कुछ मसाइल, कुछ अहकाम, कुछ बातें ऐसी बतलाई हैं कि अगर वो अमल अगर बंदा कर ले तो अल्लाह ताला उसे हज का सवाब अता फरमा देगा। आज की इस किताब में उनमें से सिर्फ चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूं, कई बातें हैं उनमें से सिर्फ वक्त की नजाकत को देखते हुए तीन से चार अहम बातें जो हर मुसलमान कर सकता है अगर कोशिश करे या कम से कम उनमें के अक्सर काम कर सकता है, ऐसे कुछ अहकाम आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि अगर हज ना हो सका, हज अगर ना भी कर सके तो कम से कम इस अजर को पाने के लिए, इस फजीलत को, सवाब को हासिल करने के लिए आदमी अगर ये आमाल कर ले तो भी अल्लाह ताला के पास अजर के हज के बराबर उसको अजर मिल जाएगा। हाजिर गिरामी कदर, इस सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें हमें मिलती हैं, सबसे पहली बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको जो सिखलाई बतलाई वो ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया माह रमजान में अगर कोई उमरा करता है, रमजान के महीने में अगर कोई आदमी उमरा करता है तो उसे हज के बराबर अल्लाह ताला सवाब देता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करके वापस लौटे, एक अंसारी औरत, एक अंसारी मोमिना खातून से अल्लाह के नबी ने पूछा तुम शरीक नहीं हुई मेरे साथ हज में नहीं आई? उसने कहा अल्लाह के नबी एक ही सवारी थी, मेरे शौहर के तो जाना जरूरी था, वो चले गए, मैं नहीं आ सकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून से कहा अच्छा ऐसा है, देख काम करना, रमजान के महीने में उमरा कर लेना, तुम्हारा रमजान में उमरा करना तुम्हें हज की बराबरी करेगा, तुम्हारे हज की बराबरी करेगा, यानी हज के बराबर सवाब दिलाने वाला बनेगा। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, सुनन की रिवायत अबू दाऊद वगैरह के अंदर मजीद एक लफ्ज ये भी आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया तअदिलु हज्जतन मई, उस खातून से कहा कि तुम मेरे साथ हज ना कर सकी लेकिन अगर तुमने रमजान के महीने में उमरा कर लिया मेरे साथ हज करने के बराबर अल्लाह तुम्हें सवाब दे देगा। सुभान अल्लाह। हाजिर गिरामी कदर, अगर किसी आदमी के पास इस्तेदाद पूरी है, हज की इस्तेदाद नहीं जुटा पा रहा है, तो आदमी अगर उमरा कर सकता है रमजान के महीने में तो उस आदमी को रमजान के महीने में उमरा करना चाहिए। आप और मैं जानते हैं यह भी मुश्किल है, इसलिए कि उमरा भी कोई सस्ता नहीं है आदमी के लिए, एक आम मुसलमान के लिए जिसका मामला रोज ताजा, रिजक ताजा, रोजाना मेहनत करके खाने वाला आदमी, उमरे के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल है। इस्लामी शरीयत बड़ी प्यारी शरीयत है, ये दीन बड़ा प्यारा है, इस दीन के अंदर बड़ी खूबी अल्लाह ने रखी। नबी अलैहिस्सलाम ने और कई अमल बताए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको अजर का, हज के अजर का जिन अमाल पे वादा फरमाया है उनमें से एक अमल ऐसा है जो हर दिन हम और आप कर सकते, हर दिन हम और आप कर सकते हैं और दिन में कई कई बार कर सकते हैं। वो क्या अमल है? सुनन अबी दाऊद की रिवायत, हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी बावजू होकर अपने घर से फर्ज नमाज के लिए मस्जिद आता है, बावजू होकर अपने घर से फर्ज नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद की तरफ आता है, कान का अजरिल हाजिल मुहरिम, उसको अल्लाह तबारक व तआला इहराम पहनकर जाके हज करने वाले के बराबर अजर अदा फरमाता है। सुभान अल्लाह। पांच वक्त नमाजों की जो हाजिरी है, घर से बावजू होकर आदमी निकले, घर से मुराद घर जरूरी नहीं, जहां आप हैं, दुकान में हैं, आप अपने बागीचे में हैं, आप अपनी किसी मुकाम पे, जहां हैं, नमाज का इरादा करके निकलते हुए घर से बावजू होकर निकल कर आप आएंगे, मस्जिद पहुंचेंगे, आप जमात के साथ नमाज अदा करेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया बाएहराम, एहराम की हालत में हज करने वाले के लिए जो अजर अल्लाह ने लिखा है वो अजर अल्लाह ताला आपको मुझको अता करेगा। सुभान अल्लाह। एक आदमी से अगर पूछे हज के लिए, कहता बड़ी तमन्ना है, बड़ी कोशिश कर रहा हूं लेकिन पैसे जुटा नहीं पा रहा हूं। इस्लामी शरीयत कहती है वो नहीं कर पा रहे तो ये तो कर ही सकते हो, दिन में पांच पांच मरतबा तुम्हारे सामने ये मौका है कि तुम हज का सवाब दिन में पांच पांच हज का सवाब करा सकते हो, फिर भी तुम इसमें कोता ही करो तो फिर अपने अलावा हम किसको मनाना चाहिए? इस्लामी शरीयत का कमाल है कि इस्लाम ने कहा जो आदमी अमल करे उसको अल्लाह तबारक व तआला अजर के हज के बराबर अजर अता फरमाएगा। तीसरा अमल जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बराबर अजर का वादा फरमाया,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کے بعد بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے, سورج طلوع ہو جانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا دگنا پورا پورا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا پورا پورا ثواب عطا کرتا ہے, حج کا جو ثواب ہوگا, عمرے کا جو ثواب ہوگا, یہ دونوں کا اکٹھا ثواب اس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جو نماز فجر جماعت میں پڑھے, جماعت میں ادا کرے, بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. سورج شروع ہو جائے تو سورج شروع ہو جانے کے بعد میں دو رکعت نماز پڑھے, جسے ہم اور آپ اشراق کی نماز کہتے ہیں. جو آدمی یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, یہ حج کا عمر یہ ثواب, یہ عمرے کا یہ ثواب ہماری دسترس میں, ہماری پہنچ میں ہے, لیکن ہم اور آپ پر غفلت کا پردہ اگر پڑا ہوا, ہم خود کو اپنے آپ کو اس کا مستحق نہ بنا سکے تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. آج انہیں گرامی قدر یہ مسئلہ بھی ذکر کر لینا مناسب ہوگا. خواتین کے لیے جماعت میں حاضری ضروری نہیں ہے, مسجد میں حاضری ضروری نہیں, وہ مسجد آ سکتی ہیں, ان کو منع نہیں کیا جا سکتا, لیکن اللہ کے نبی نے کہا وہ بیوتہن خیر لہن, ان کے لیے ان کے گھر بہتر ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو نماز فجر کے لیے مسجدوں تک نہیں آ سکتی یا ان کے پاس آنے کے اسباب نہیں, تو ایسی عورتوں کو کیا یہ اجر نہیں ملے گا؟ اہل علم نے لکھا کہ اگر کوئی خاتون جیسے با جماعت گھر میں اپنے پنج وقت نمازیں, مرد جس طرح با جماعت مسجد میں نماز پڑھتا ہے, اگر عورت روزانہ جس وقت میں نماز پڑھتی ہے نماز فجر کا, اس کا اپنا جو وقت ہے, وہاں پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے اور پھر سورج شروع ہونے کے بعد دو رکعت پڑھتی ہے, تو یہ امید ہے انشاءاللہ کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی ان کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. حاضرین گرامی قدر, ایک اور عمل ہے جو ہم روزانہ کر سکتے ہیں جس پر ہم اور آپ کو حج و عمرے کا ثواب دونوں ایک ساتھ ملے گا. ایک اور عمل بھی بتا کر میں آج کی اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے جو صحابہ صاحب استطاعت نہیں تھے, پیسہ والے نہیں تھے, ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, دولت نہیں تھی, فقر و فاقے میں زندگی گزرتی تھی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی غرب اہل الدثور بالاجور, یہ دولت مند لوگ تو بہت زیادہ اجر لوٹ کر گئے, اللہ نے دولت دی ہے ہمیں دولت نہیں دی, یہ لوگ بہت سبقت کر گئے. اللہ کے نبی وہ نماز پڑھتے ہم بھی نماز پڑھتے برابری کر لے جاتے ہیں, وہ روزہ رکھتے ہم بھی روزہ رکھتے برابری کر لے جاتے ہیں, لیکن مال اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں, اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کے راہ میں حج کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جو اعمال وہ انجام دیتے ہیں ان کا ذکر کیا اور کہا اللہ کے نبی مال ہونے کی وجہ سے یہ سب کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. ایسے تو وہ لوگ بہت آگے نکل گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر وہ عمل تم کر لو گے تم سے پہلے جتنے لوگ سبقت کر گئے ان کی برابری تم کر لو گے, وہ دولت خرچ کر کے جیسے اجر کا حج کا ثواب کما رہے ہیں, جہاد کا ثواب کما رہے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب کما رہے ہیں, تم بھی ان کی برابری کر لو گے, ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے تم اپنے سے سبقت کر جانے والے لوگوں کی برابری کر لے جاؤ اور تمہارے بعد جو آئے گا وہ تمہاری برابری نہیں کر سکے گا, الا یہ کہ وہ بھی وہی عمل کرے جو عمل میں تمہیں بتا رہا ہوں, جو عمل میں تمہیں بتا رہا ہوں ایک ایسا عمل کہ اگر وہ عمل کر لو گے تم سے پہلے جتنے لوگ سبقت کر رہے ان کی برابری کر لو گے اور تمہارے بعد آنے والے تمہاری برابری نہیں کر سکیں گے, الا یہ کہ وہ بھی وہی عمل کر لیں جو تم کر رہے ہو, تب تو ظاہر بات ہے برابری ہو ہی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ صحابہ نے خوشی سے مطالبہ کیا, اللہ کے نبی نے اتنا آسان کام بتایا کہ یہ عمل بھی دن میں پانچ مرتبہ کم از کم ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر, یہ جو تسبیحات ہیں نماز کے بعد کی, یہ اگر پڑھ لو گے تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے پڑھنے پر, اس کی پابندی کرنے پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر سبقت لے گئے لوگوں کی برابری کر لو گے. اہل علم نے لکھا اس حدیث میں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ نے
दौलत के सहारे हज करने जाने वालों का तज़किरा किया तो अल्लाह के नबी ने कहा ये तस्बीहात अगर पढ़ लोगे तो तुम उनकी बराबरी कर ले जाओगे, तुम उनके बराबर हो जाओगे। अहले इल्म ने लिखा अगर कोई इसकी पाबंदी करता है तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे भी हज का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। हाजिर गिरामी कदर ये सिर्फ चंद आमाल है जो मैंने मुंतखब करके आज के इस खुतबे में आपके सामने रखे ये बताने के लिए कि हज से महरूमी का एहसास जिनको है चाहे वो इसलिए कि रास्ते बंद हैं या फिर इसलिए कि इस्तेआत नहीं असबाब नहीं, बहुत सारे लोग बीमार भी रहते हैं, बहुत सारे लोग सफर की इस्तेआत नहीं रखते बुढ़ापे की वजह से कमजोरी की वजह से, उन सब के लिए इस्लामी शरीयत के ये रास्ते खुले हुए हैं, इनकी फिक्र हम और आपको करनी चाहिए। हाँ इस मसले की वजाहत अलबत्ता जरूरी होगी, याद रखें ये जितने अमाल आपके सामने गिनाए गए इन पर हज का सवाब तो मिलेगा लेकिन ये अमाल करके कोई कहे मैंने हज का फरीजा अदा कर लिया तो ये अदा नहीं होगा। दो बातों में फर्क, एक हज बैतुल्लाह का जो फर्ज है उसकी अदायगी साहिब इस्तेआत को वो हज हज करके ही साबित हो सकता है फर्ज, इस्तेआत रखने वाला पैसा रखने वाला असबाब रखने वाला अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी इंसान नहीं तो अगले साल नहीं तो बाद में, जब तक हयात है फरीजे की अदायगी साबित नहीं होगी, हज का फर्ज हज करके ही अदा होगा। अलबत्ता सवाब की जहां तक बात है हज ना करके भी आदमी हज का सवाब अगर लेना चाहे तो ये अमाल है जो इस्लामी शरीयत ने हम और आपके सामने रखे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को ख्वातीन को सामीन को अल्लाह ताला इन अमाल की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। हज का एक सवाब जो अल्लाह ताला ने आसान करके हमारी झोली में डाल दिया है उसे अपनी जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम और आपको हज के अजर से भी मालामाल कराए, इस वबा का खातिमा फरमाए, बंद रास्ते अल्लाह ताला खोल दे। अगले साल अल्लाह ताला हम में से हर साहिब इस्तेआत को और रब्बत रखने वाले को अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने वाला मुसलमान बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।